डीडीपीएस के स्टूडेंट्स ने आज रामलीला के सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश किया, जिसमें वहां पर जमा हुए लोगों को मोबाइल फोन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। बच्चों ने नाटक के माध्यम से बताया कि मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आंखों को कमजोर करता है और इससे निकलने वाली हानिकारक तरंगे हमारे दिल और दिमाग को कमजोर बनाती हैं। ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से एक्सीडेंट्स में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि लोग दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर भी मोबाइल पर बातें करते हुए चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल नेटवर्क ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से रक्षा वाहनों जैसे एम्बुलेंस या पुलिस को भी फ़ोन मिलाने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसलिए बच्चों ने आह्वान किया कि फ़ोन का ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर बच्चों के साथ डॉक्टर सुनैना गुप्ता, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद फहीम आदि शिक्षक मौजूद रहे। डरता है ट्यूशन टीचर हो या हो टीचर स्कूल का, कम नंबर आ जाए अगर तो घर पे भी वो पिटता है। इंजीनियर डॉक्टर अगर सोचो कैसा लगेगा, इंजीनियर डॉक्टर अगर सभी बन गए तो सोचो कैसा लगेगा, क्या आईएएस और पीसीएस के बिना हमारा जहां नहीं चलेगा। प्रैक्टिस ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है, प्रैक्टिस ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल जाता है, मेहनत वो चीज है जिससे हर बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। संगीत कला साहित्य की भी अपनी एक कहानी है, संगीत कला साहित्य की भी अपनी एक कहानी है, ये वो प्रतिभा है जिनकी कदर दुनिया ने जानी है। मोबाइल टीवी इंटरनेट से नाता तोड़ दो, अरे मोबाइल टीवी इंटरनेट से नाता तोड़ दो, पकड़ो ये नन्हे हाथ और अपना वक्त हमें सौंप दो, पकड़ो ये नन्हे हाथ और अपना वक्त हमें सौंप दो। साथ बैठकर बच्चे के जाने उनके मन की बात, साथ बैठकर बच्चे के जाने उनके मन की बात, क्या नहीं आता उसको तभी कहेगा वो अपनी बात, जो बात समझ ना आए उस पर कभी हाथ ही ना भरे। उम्मीदें कम और सहयोग बढ़ाए हम, उम्मीदें कम और सहयोग बढ़ाए हम, इन नन्हे पंखों को कुछ और फैलाए हम, बर्दिन की आंखों में कुछ चमकीले से सपने, बर्दिन की मनोबल बच्चे का बढ़ाने में सहयोग करे उसका, मनोबल बच्चे का बढ़ाने में सहयोग करे उसका, फिर देखिए कैसे खुल जाता है हर बंद रास्ता। Just put your phone down.
right now. Otherwise, no lunch for you. Okay, Mama, I will manage. Avantika, I'm talking to you. Hi. No. What's wrong with you? Oh, my God. My phone is dead.